और नरदेव जी जैसे जावाज व्यक्ति हमारी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी है, हम 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं। और मैं आपको वचन दिला रहा हूँ कि ये नरदेव जी का उज्जवल भविष्य है, उज्जवल यात्रा में आप चार कंठ जुटो और भारतीय जनता पार्टी और मैं आपकी सेवा के लिए जान लगा देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो इससे पूर्व मांग इलाहाबाद नहीं के छायाचित्र पर श्रद्धा को अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की गरिमा प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी, मंत्री गृह देश संसदीय कार्य एवं विधायी भाषण पूजे साथ ही हमारे अन्य अतिथि बॉल पकड़ी फोटो खींचा है आगे दीप प्रज्वलन माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य अतिथियों के द्वारा मां तेराम मधुबन का है दर्पण है, हर एहसास तुम्हारी ही है अर्पण है, हर ललाट पर रवि प्रकाश का सुबिर दूर करता है, भटक गए हैं जग में उनका पथ आलोकित करता है, ऐसी ज्ञानमयी माँ बीड़ाबाजी की पूजा करना सम्मान्य अतिथियों के द्वारा जितने शाश्वत सौरभ से सारी धरती को मंगाया है, जितने समग्र विधाओं की गंगा अभिराम बहाया है, जिस हंस वाहिनी को हम सब श्रद्धा से गिर झुकाते हैं उनके चरण जाते हैं। इसके पश्चात कन्या पूजन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों को उत्थान और स्वावलंबी बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से काफी मदद मिली है और देश में बेटियों के प्रति नजरिया भी बदला है। तो कैसे आज है एक बेटियां पूर्व कर्मों के सुखों से आज हैं एक बेटियां हर बालकों को मान कर भी आज है बेटियां कन्या पूजन कन्या भविष्य है जगत जननी की स्वरूपा है। आज के कार्यक्रम के लिए कन्या पूजन कर रहे हैं साथ में है अतिथि मन संचार कहते हैं भैया मन संचार माननीय लोकसभा माननीय श्रीमती नीतिका चंदी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय श्री इंद्र शरण सिंह जी चलो 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 नमस्ते आशुतोष प्रत्येक
हमेशा महमहा रही, कण कण महकावन चंदन है, शत शत स्वागत शत शत बंधन शत शत परिमल परिवंदन है। इस कड़ी में सम्मान्य सज्जन तिवारी जी से अनुरोध करता हूँ कि पुष्पहार द्वारा आज के राजस्व को मुझे महोत्सव। इसके पश्चात नहीं आ रहे मैम, आप थोड़ा माननीय श्री इंद्र सिंह चौहान जी पुष्पहार द्वारा स्वागत करेंगे। श्री प्रदीप शुक्ला जी मंडल अध्यक्ष भाजपा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, साथ ही माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। श्री अशोक पटेल जी महामंत्री भाजपा आमंत्रित हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए। श्री महेंद्र पांडे जी आमंत्रित हैं स्वागत के लिए। श्री भानु प्रसाद पांडे जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। इसी कड़ी में श्रीमती वैसखिया प्रजापत सरपंच ग्राम पंचायत गौरतह पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। श्रीमती उर्मिला साकेत जनपद सदस्य भैया पुष्प द्वारा स्वागत करें। प्रदीप भैया ना भैया बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अरे भैया थोड़ा पीछे हट जा दादा। अंत में सभी की ओर से आज के कार्यक्रम समान सुमंत्री पूर्व उपाध्यक्ष जनपद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। हम मेरे बड़े आदर के साथ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिव शक्ति सेवा संकल्प पद यात्रा जिनके नेतृत्व में निकाली जा रही है, उनका मान विधायक माननीय श्री सरचंद तिवारी जी को बड़े स्वर्ण भाव के साथ इस समारोह को संबोधित करने के सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दी था जोर है मेरे भाई। 26 तारीख को भगवान हिमानंद का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री सेवा कार्यक्रम में जीरो टॉलरेंस कोई हितग्राही रह न जाए इसकी निगरानी करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए और सामाजिक संरक्षण संरक्षा के भाव को लेकर मैं शपथ ली की यात्रा पर निकल रहा हूँ। और हमारा सबका सौभाग्य है इस यात्रा के शुरुआती दौर में ही माननीय गृहमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन जिसको अपनी प्रेरणा का केंद्र मानते हूँ नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच है। आप सब मेरी तरफ से भी और पाली अभिनंदन उनको भोपाल निकलना है समय की कमी और मुझे अभी गौरतः काम में ही रुकना है। आज पूरे अधिकारी यहाँ बैठे थे सभी समस्याओं के निपटारे के लिए चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की रही हो कूपन से संबंधित हो सामाजिक सुरक्षा की हो पट्टे के संबंध में हो जो भी है उनको सबको निपटाने के लिए यहाँ बैठे और मेरे को भी इस यात्रा के दौरान भाई साहब कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अपनी सरकार की योजनाएं 95% तक नीचे तक पहुंचती है। हर गांव में जो संख्या गिर रहा दो चार छह ऐसे छूटे हुए लोग हैं उनको भी इस बार करके और हम चुनाव विधानसभा को जीरो टॉलरेंस पर लेकर आएंगे। और इस तरह से आपकी प्रेरणा से आपके मार्गदर्शन से हम इस क्षेत्र को समस्या मुक्त और पूरी योजनाओं को
करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, रचनात्मक कार्य भी होते रहे, रक्तदान हो, वृक्षारोपण हो और पूरा देश एक साथ देश के विकास में खड़ा हो, उसकी दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। एक बार पुनः आप सब माननीय मंत्री जी को सुनेंगे। मैं आप सब की ओर से दोनों हाथ विनम्रता पूर्वक उनको जोड़ते हुए शपथ ली चुकी इस यात्रा में हूँ, तो दोनों की तरफ से आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ और आपको सीधे समय में लेते हुए सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। माननीय मंत्री महोदय, यहाँ पर एक मांग आई थी पोस्ता में चौकी की, और वो मांग पत्र भी पुस्ता में चौकी को लेकर, क्योंकि यहाँ से सिमरिया एकदम अलग पड़ता है, सीधी विधानसभा में आ जाता है और खट्टी से पुलिस को आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम पुस्ता में एक चौकी की मांग भी माननीय गृहमंत्री जी को दे रहे हैं। साथ में जो चरकी है कुशवाहा गाँव में, वो पझौली थाने से जुड़ा हुआ है, उसको भी सीधे कमली थाने से जोड़ दिया जाए। उसका काम उत्तम है। मेरी छोटी बहन और आपकी लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय रीति पाठक जी, भैया पांव पांव वाले भैया की तरह भैया पूरी विधानसभा को अपने पैरों से नापने का जो संकल्प लिया है, ऐसे मेरे छोटे भाई आदरणीय शैलेंद्र तिवारी जी, आदरणीय इंद्र शरण सिंह चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष, आदरणीय सुभाष सिंह जी पूर्व अध्यक्ष भूमि विकास बैंक, आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी, आदरणीय अनिल पांडे जी, मुझे और नाम पता नहीं, मंच पर बैठे हैं वो लिख के दिए नहीं है, इसलिए नाराज हो तो उससे होना जिसने लिख के नहीं दिए। मैं तो सभी के नाम लेना चाहता था। दो मांग आदरणीय शैलेंद्र जी ने किए, एक पुलिस चौकी की, ग्राम चरकी को पुलिस चौकी प्रबंधी में जो सभी हो जाएगा और ये मार्च में होगा 2 महीने बाद। ये दोनों साल शैलेंद्र भैया की ही तरह शैलेंद्र भाई के पिताजी का आशीर्वाद मेरे को बहुत रहा। जब भी कभी मन में अंतर्द्वंद होता था अथवा शासन में भी कोई प्रशासनिक उलझन कानूनी उलझन आती थी, तो हमको आदरणीय पीपी तिवारी जी का ही चेहरा याद आता था या तो दौड़ के पहुंच जाते थे और चुटकियों में समाधान भी पाते थे। मित्रों, सर्वेंदु बहुत जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो जमीन पर पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में चुरहट विधानसभा की जितनी चिंता वो करते हैं, मैंने इससे पहले इतनी चिंता करने वाला व्यक्ति देखा। और जो अभी वो कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस का एक बार जीरो कर देंगे आपकी छोटी छोटी समस्याओं का, तो मुझे ध्यान आता है मैं अलग अलग समय में कभी सीधा सीधी कभी रीवा आता रहा हूं, यहां से निकलता रहा हूं। हर व्यक्ति की जेब में एक ना एक कागज होता था, किसी की मैं नामांतरण का, किसी की मैं सीमांतरण का, किसी की मैं ट्रांसफर का। अब कागज आदि से भी ज्यादा कम समस्याओं के निदान के कारण से होता है।
आज भी सभी अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं और 37 तरह की ऐसी समस्याएं हैं कि उन 37 समस्याओं में से जो समस्या आपको हो आप आज बताना, वो आज ही समाधान करेंगे अथवा ये सेकंड राउंड में फिर ये इसी 1.5 महीने में 31 अक्टूबर के पहले इन्हीं 5 गांव में से ये गांव में फिर ये कैंप लगेगा और नहीं तो उस दिन उस समस्या का समाधान करके दो। आप कल्पना करिए, आपका अगर किसान कल्याण निधि में नाम नहीं है तो आज नाम लिखाओ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि दी, 10,000 रुपया जो साल के मिलते हैं किसान को, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जिनको नहीं मिलते हो वो अपना नाम जरूर लिखवाए। अच्छा मैं उल्टा पूछूं इसका, कांग्रेस के लोग चुनाव लड़े थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसान का माफ कर देंगे, ऐसा कहा था क्या कांग्रेस के लोगों ने? जोर से बोलो, कहा था या हाँ या ना? अच्छा अब आप हाथ उठा के बताओ किस किसके खाते में 2 लाख आ गए, किसके खाते में 1.5 लाख आ गए, किसके में 1 लाख आ गए, किसके में 50,000 आ गए? अरे ये हर साल 10,000 रुपया दे रहे हैं, 7 साल में दे रहे हैं, मतलब 70,000 तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आ गए कि नहीं आ गए? अब ये कतरी और करनी का अंतर है। ये ऐसे तुलना करोगे भाजपा कांग्रेस की तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। उनने कहा था कांग्रेस के लोगों ने चुनाव लड़ने के समय कि हर नौजवान को घर बैठे 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। और 15 महीने सरकार रही तो 15×4=60,000 रुपया महीना किस किस नौजवान के खाते में आए बताओ? 15 महीने में 20,000, 15,000, 500 बता नहीं सकते आप। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम अगर आपको चाहिए तो वो है कांग्रेस पार्टी, लिखित में जब झूठ बोलती है। ये उनके घोषणा पत्र था जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए मित्रों, दो दल, दो विचार, दो व्यक्ति, ये दो पार्टी ये आपके सामने है। ये कांग्रेस एक डूबता जहाज है, हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों से कांग्रेस साफ हो गई है, कुल 1.5 प्रदेश में बची है, 1.5 में से भी 1 प्रदेश राजस्थान हिचकोले खा रहा है, कब डूब जाए पता नहीं। ये कांग्रेस के लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमारी सरकार बनने वाली है तो आप उनसे कहना कि यार तुम बनी बनाई सरकार चला नहीं पाए तो नई सरकार क्या बनाओ, ये बात जरूर कह देना आप उनको। अगर ऐसे ही चलाने वाले थे तो बनी बनाई चला लेते, तुम्हारी तो बनी बनाई थी, वो पटक दी तुमने। ये सिर्फ झूठ बोल करके राज करना चाहते हैं मित्रों, और सरदेव जैसे जावाज व्यक्ति हमारी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी है, हम 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं और मैं आपको वचन दिला रहा हूँ कि ये सरदेव जी का उज्जवल भविष्य है, उज्जवल पार्टी की सेवा के लिए। इसकी यात्रा में आप प्राण बन से जुटो और भारतीय जनता पार्टी और मैं आपकी सेवा के लिए जान लगा देंगे। जो आवाज दोगे, ये लोग चौकी की आवाज है, उस बात को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्योंकि प्लेन पकड़ना है, ये जा रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ। चलिए चलिए आप लोग बड़े आदर के साथ आभार प्रदर्शन है करता हूँ श्री प्रदेश मंडल अध्यक्ष भाजपा। हेलो, आप आए और सम्मान अतिथियों का आभार ज्ञापन है। आज शिव शक्ति सेवा संकल्प यात्रा